हिजाब पहनने को लेकर कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद अब देश के अन्य राज्यों में भी फैलता जा रहा है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित प्लाजा में भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई छात्राएं हिजाब पहने हुए थी और इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रही थी। प्रदर्शनकारी छात्राओं का कहना था कि महिलाएं क्या पहने और क्या ना पहने, इसका निर्णय लेने का फैसला सिर्फ उन्हीं का होगा। आप किसी को उसका पहनावे पर विरोध नहीं कर सकते। सर जिहड़ा अज दा प्रदर्शन है ये तुसीं देखे ही है, कुछ दिन पहला एक वीडियो आई सी कर्नाटक दे विच, एक कुड़ी ने जिहाद बुरका पाया होया ते जिहड़े थोड़े उत्थे कॉलेज वाले जिन्होंने हत्थां दे विच भगवे कपड़े फड़े हुए ने श्री राम दे नारे ला रहे ने, उन्हू कह रहे ने जी कॉलेज तो बाहर जाओ। पर मैं एक गल पुछना चाहुंदा भी असी एक पासे नारा लाउंदे आ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, पर एक पासे तुसी हालात देखो की ने देश दे, ए मोदी जिहड़ी सरकार है जी आरएसएस दी सरकार है, इसने देश दा पट्ठा बिठाता, देश दे विच वंडियां पातियां इन्होंने, वंडी किस नाते पैंदी है धर्म दे नाते, और उसी नूं ये मुद्दा बनांदे ने उसी नूं चक्कदे ने। पर मैं इन्हां नूं एक कहना चाहुंदा ये जिहड़े भगवे लैके फिरदे ने ना भी मोदी भगत ना बनो, जे देश का कुछ करना तो देश भगत बनो, पहला मोदी भगत ना बनो, ना हिंदू ना सिख ना ईसाई ना मुसलमान बोलो यार, सबसे पहले इंसान बनो। ये हर तरह के नाल जो असं उही गल देते भी ये वो बंदे ने जिहड़े अज सत्ता दे विच बैठे ने, ये उन्होंने चेले ने जिन्होंने 47 तो पहला जो मुख लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ सी, तो सावरकर ने अपनी किताब दे विच लिखिया कहिंदा भी सानू अपनी जिहड़ी एनर्जी है सानू अपनी जिहड़ी ऊर्जा वह अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़न की थान पर मुसलमाना ईसाइया नास्तकों के खिलाफ लड़नी चाहिए है, भी ये साडे असल दुश्मन ने। इस करके ये साफ है, ये उस पहले दिन तो यही नारा देंगे ने, इन्हां लई कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भरा भरा नहीं है, इन्होंने उदों भी जिहड़े नफरत के बीआ लोगों के बीजे ने अज भी उस तरह दी कोशिश जिहड़ियां होर ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं, तो इहदा विरोध भी लोगों को करना पैणा। दोनों चीज़ा ने ही, एक तो भी मुद्दों भड़काने लिए भी, दूजा एक एजेंडा भी है, इकला चोणा लई नहीं हो रहा, तुसीं देखोगे चोणा तो बाद भी होगा, ये उदों भी असीं देखिया सी भी 19 दे विच CNRC ये लैके आए सी एकदम जो चोणा चित के आउंदे, उस तो बाद कानून फिरकू कानून लैके आउंदे ने जिहड़े मुसलमान घट गिणतियां दे खिलाफ आउंदा, तो उहदा पूरे मुल्क दे विच विरोध होया, तो उस तो बाद इन्हां नूं उह हजे अपने एक बार कदम वापस पिछे पटने पए ने। इस तरह सरकार का यह एजेंडा ही है, इकलियां चोणां नूं लैके नहीं, असल में सरकार यह करना चाहती है, पर हाँ चोणां दे नेड़े ज़्यादा ही कुछ कोशिशां जिहड़ियां ने तेज़ कर दित्तियां जांदियां ने, तां कि इहदे नाम उत्ते राजनीति खेड़ के लोगों तो वोटां जिहड़ियां बटोरियां जा सकन। एक तरफ तो देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई का नारा दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं धर्म के मुद्दों को भड़काकर नफरत की राजनीति की जाती है। ऐसे में जब ये मुद्दा कोर्ट में पहुंच चुका है, कोर्ट ने मामले में अंतरिम फैसला भी दिया है, तो जरूरत है कि इस कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाए, इस तरह के विरोध प्रदर्शन ना किए जाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।